तो दोस्तों आपको Google AdWords पे एड रन करने से पहले इस वीडियो को एक बार जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज की जो वीडियो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप Google AdWords पे एड रन करना सीखना चाहते हो। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ Google AdWords की पॉलिसी के बारे में। बेसिकली क्या होता है कि गूगल एडवर्ड्स की पॉलिसी बहुत सारे लोगों को पता नहीं होती है और वो एड बनाना स्टार्ट कर देते हैं गूगल एडवर्ड्स पे, तो इससे होता क्या है कि उनका एड जो है प्रॉपर तरीके से रन नहीं होता है, उनका एड जो है डिसअप्रूव हो जाता है, यानी बहुत सारी प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है। अगर आपको गूगल एडवर्ड्स की पॉलिसी के बारे में पता चल जाएगा एक बार कि गूगल एडवर्ड्स की पॉलिसी क्या है, तो जब भी आप गूगल एडवर्ड्स पे एड बनाओगे तो आपका एड बहुत स्मूथली रन होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कहीं पे पहुंचना है तो आपको फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करना होगा, उसके रूल और रेगुलेशन को जानना बहुत जरूरी होता है, और यही रीजन होता है कि लोगों को पता नहीं होता है, वो ऐड बनाना स्टार्ट करते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डिजिटल काका। मेरा नाम राहुल राय है और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ गूगल एडवर्ड्स की पॉलिसी के बारे में, ऐड बनाने से पहले किन बातों का ध्यान देना होता है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगी। तो गाइज एक बात कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर देना, जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड करो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों गूगल एडवर्ड्स की जो पॉलिसी होती है, एडवर्टाइजर और पब्लिशर जो दोनों लोग होते हैं, इन दोनों लोगों के बीच में एक ट्रस्टवर्थी और एक ट्रांसपेरेंट हायरार्की क्रिएट करने के लिए बना हुआ है, जिससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो और प्रॉपर तरीके से एड जो है रन हो। तो गूगल एडवर्ड्स ने जो अपने एडवर्ड्स की पॉलिसी को जो डिफाइन किया है 4 पार्ट में किया है, जैसा कि आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे पहला जो पार्ट है प्रोहिबिटेड कंटेंट का है, और जो सेकेंड पार्ट है प्रोहिबिटेड प्रैक्टिसेस का है, और जो तीसरा है रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट एंड फीचर्स का है, और जो फोर्थ नंबर का है एडिटोरियल एंड टेक्निकल है। ठीक है, तो इसको हम पार्ट वाइज समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप की पर्टिकुलर चीज क्या है। तो यहाँ पे आप जो पहला पार्ट देख रहे हो प्रोहिबिटेड कंटेंट का, ठीक है। अब प्रोहिबिटेड कंटेंट में क्या है कि अगर आपके एड पे प्रोहिबिटेड कंटेंट का एरर आ गया, मतलब कंटेंट यू कांट एडवर्टाइज ऑन गूगल नेटवर्क, यानी अगर आपका जो एड है प्रोहिबिटेड कंटेंट हो गया तो आप उसको गूगल नेटवर्क पे कहीं पे भी एडवर्टाइज नहीं कर सकते हो। और जो सेकेंड पार्ट आप देख रहे हो यहाँ पे प्रोहिबिटेड प्रैक्टिसेस का, थिंग्स यू कांट डू इफ यू वांट एडवर्टाइज विद अस, ठीक है। अब प्रोहिबिटेड प्रैक्टिस ऐसा कुछ पार्ट है इसका जिसमें आप एड या एडवर्टाइज नहीं कर सकते हो गूगल के साथ। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट एंड फीचर्स क्या है, कंटेंट यू कैन एडवर्टाइज बट विद लिमिटेशन, यानी रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट का अगर एरर आ रहा है आपके एड पे तो इसका मतलब ये है कि आप कंटेंट को एडवर्टाइज कर सकते हो बट कुछ लिमिटेशन है जो आगे आपको देखने को मिल जाएगा इसमें। और जो फोर्थ नंबर का एडिटोरियल एंड टेक्निकल, अब इसमें क्या है लिखा है, क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर योर एड्स वेबसाइट एंड एप्स, यानी इसके अंतर्गत क्या है कि आपको अपने एड और वेबसाइट और ऐप को एक क्वालिटी स्टैंडर्ड को फॉलो करना होता है जो इसमें दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें हम देख लेते हैं पहला पार्ट जो प्रोहिबिटेड कंटेंट का, ठीक है। अब प्रोहिबिटेड कंटेंट में क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं गूगल एड प्रोहिबिटेड द सेल ऑफ प्रमोशन ऑफ सेल ऑफ काउंटरफिट गुड, काउंटरफिट गुड कंटेन अ ट्रेडमार्क ऑफ लोगो दैट आइडेंटिकल सब्सटेंटली और इंडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द ट्रेडमार्क ऑफ एनदर, मतलब जो इसमें क्या प्रोहिबिटेड कंटेंट में, जैसे आप किसी का लोगो आप किसी का ट्रेडमार्क यूज करते हैं, जैसे गूगल एडवर्ड क्या है एक ट्रेडमार्क है, इसका मैं कभी भी अपने एड के हेडलाइंस में नहीं यूज कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे प्रोहिबिटेड कंटेंट का एरर आ जाएगा, यानी आप किसी के प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर सकते हैं, उसके ब्रांड का नाम नहीं यूज कर सकते हैं, उसके लोगो का नाम यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज हो गया प्रोहिबिटेड कंटेंट में आता है। डेंजरस प्रोडक्ट और सर्विसेस, यानी आप किसी भी ऐसे कंटेंट को नहीं प्रमोट कर सकते हैं जो डेंजरस हो, जो प्रोडक्ट प्रोहिबिटेड कंटेंट में आता है, जैसे आप वेपन्स का यूज नहीं कर सकते, अम्यूनेशन का यूज नहीं कर सकते, एक्सप्लोसिव मटेरियल्स का, फायरवर्क का यूज आप नहीं कर सकते हो, प्रोहिबिटेड कंटेंट में एरर आता है, ठीक है। और जो यहाँ पे आप देख रहे हो इनेबलिंग डिसऑनेस्ट बिहेवियर, इसमें क्या एग्जांपल, आप प्रोडक्ट ऑफ सर्विसेज दैट इनेबल डिसऑनेस्ट बिहेवियर, हैकिंग सॉफ्टवेयर का आप रिव्यू नहीं कर सकते हो, ठीक है, कोई सर्विस डिजाइन आर्टिफिशियल इन्फ्लेटर वेबसाइट ट्रैफिक फेक डॉक्यूमेंट एकेडमिक चीटिंग सर्विसेज, इस तरह के कंटेंट जो है प्रोहिबिटेड कंटेंट में आता है। इन अप्रोप्रिएट कंटेंट क्या, वी वैल्यू डाइवर्सिटी अवर रिस्पेक्ट अदर एंड वी स्ट्राइव अवॉइड ऑफरिंग यूजर्स, सो डोंट अलाउ एट डेस्टिनेशन दैट डिस्प्ले शॉकिंग कंटेंट प्रमोट एंड इंटॉलरेंस, मतलब इसमें क्या है कि आप कोई भी ऑफेंसिव कंटेंट, किसी को बुलिंग, इंटीडेशन एंड इंडिविजुअल और ग्रुप
रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन, हेट ग्रुप, मतलब किसी को हेट, किसी को ब्लैकमेल और किसी को सेल, इस तरह के कंटेंट को आप नहीं प्रमोट कर सकते हो। ठीक है, अब जो पार्ट सेकेंड पार्ट आ गया, जैसे चार पार्ट में डिवाइड था, तो प्रोहिबिटेड कंटेंट में ये चीजें आ गई। अब यहाँ पे आप देख रहे हो प्रोहिबिटेड प्रैक्टिसेस में अब्यूजिंग एड नेटवर्क। अब्यूजिंग एड नेटवर्क मतलब क्या है इसमें, जैसे आप देख रहे हो वी वॉन्ट एड्स क्रॉस द गूगल नेटवर्क टू बी यूजफुल वेरिएड रिलेवेंट एंड सेफ ऑफ यूजर। मतलब आपको ऐसे एड को या ऐसे कंटेंट को प्रमोट करना है जो नेटवर्क, गूगल नेटवर्क के लिए यूजफुल हो, रिलेवेंट हो और सेफ हो यूजर के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख रहे हो प्रोमोटिंग कंटेंट दैट कंटेन्स मालवेयर, क्लॉकिंग और यूजिंग अदर टेक्निक्स हाइड द ट्रू डेस्टिनेशन दैट यूजर द डायरेक्टेड आर्बिट्रेज आर प्रोमोटिंग डेस्टिनेशन। अब इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। जैसे कि सपोज मान लीजिए आप कोई एफिलिएट प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, प्रोडक्ट कोई सेल कर रहे हो, तो आप जैसे क्या लोग क्या करते हैं कि जो उसमें URL डालते हैं कुछ और, जब URL पे ऐड पे क्लिक करता है कोई तो चला जाता है किसी और URL पे, यानी दूसरे लैंडिंग पेज पे, क्लॉकिंग उसको बोलते हैं। तो ब्रीज इस तरह के URL का यूज नहीं करना है। अब यहाँ पे आप जो दूसरा देख रहे हो ये प्रोहिबिटेड प्रैक्टिस में आता है। अब देख रहे हो यहाँ पे डेटा कलेक्शन एंड यूज ऑफ यूजर इन्फॉर्मेशन दैट शुड बी हैंडल विद केयर, फुल नेम, ईमेल एड्रेस, ईमेल आईडी, इस तरह की चीजें आप नहीं ले सकते हो। ठीक है, अगर लेते हो तो आपको डिस्क्लेमर देना पड़ेगा। अब यहाँ पे आया मिस रिप्रेजेंटेशन, वी वॉन्ट यूजर टू ट्रस्ट एड्स ऑन प्लेटफॉर्म, वी स्ट्राइव टू इंश्योर एड्स आर क्लियर एंड ऑनेस्ट। मतलब जो भी एड आपको बनाना है क्लियर होना चाहिए, कोई बिलिंग डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स, इस तरह का कोई भी फाइनेंशियल चीजें आप नहीं कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया दूसरा इसका। अब यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट एंड फीचर्स में क्या है, जैसे इसमें क्या है कि लीगली कोई सेंसिटिव कंटेंट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप जैसे फॉर एग्जांपल देख रहे हो डिफॉल्ट एड ट्रीटमेंट, इसमें क्या है डिलीवरिंग सेफ एंड ट्रस्टवर्थी एक्सपीरियंस फॉर दैट वाई लिमिट सर्विंग कंटेंट ऑफ एड कैटेगरी यूजर दैट साइन टू यूजर दैट आवर सिस्टम। सेक्सुअल कंटेंट नहीं यूज कर सकते हो, एल्कोहल से रिलेटेड कोई भी कंटेंट आप यूज नहीं कर सकते हो, कॉपीराइटेड कोई भी कंटेंट आप नहीं यूज कर सकते हो। अगर कॉपीराइट कंटेंट यूज कर रहे हो तो आपके पास ऑनर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यहाँ से आप ले सकते हो। गैम्बलिंग ऑन गेम से रिलेटेड कोई भी कंटेंट आपका नहीं होना चाहिए, जैसे फिजिकल कैसीनो हो गया, साइट जहाँ पे जुआ खेला जा रहा हो, पोकर खेला जा रहा हो। हेल्थ केयर एंड मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी कंटेंट नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल कंटेंट भी नहीं होना चाहिए, फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, ट्रेडमार्क नहीं यूज कर सकते हो आप, लीगल रिक्वायरमेंट आपको जरूरत होती है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें देख रहे हो, और यहाँ पे डेस्टिनेशन रिक्वायरमेंट, ये सारी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं गूगल एडवर्ड्स की पॉलिसी है, आपको एक बार गूगल एडवर्ड्स की पॉलिसी को प्रॉपर तरीके से स्टडी करना चाहिए अगर आप चाहते हो कि आपका एड जो है प्रॉपर तरीके से रन हो। और ये गूगल एडवर्ड्स की पॉलिसी ये गूगल सर्च नेटवर्क, यूट्यूब वीडियो एड्स, हर कंटेंट क्रिएशन वाले ऐड पे काम करेगा। तो इसको एक बार आप जरूर देख लो। ये जो पॉलिसी का लिंक है मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप रीड कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।